नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज ये संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट्स। तो पहला सवाल है भाटी जी 786, बजरी बर्ड्स ने एक मेल दो फीमेल ने जोड़ा लगाया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी प्रॉब्लम हो भी सकती है, प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये आपको जानना है तो एक प्रॉपर वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो आप देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं आपको दे दूँगा। टेक एंड बजीस, मेरे यहाँ 7 पैर बजीस हैं, सब के पैर बने हुए थे बट ब्रीडिंग के टाइम मेल दो फीमेल से पैर बना के मेटिंग कर रहा है, अभी दो एक्स्ट्रा मेल हैं, प्लीज़ सजेस्ट मुझे क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा मेल सबको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं मेटिंग के टाइम। देखिए, एक मेल के साथ दो फीमेल का जोड़ा लग गया है और अब दो मेल एक्स्ट्रा हो गए हैं और वो अब सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आपके पास हो रहा है। तो देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उस दो फीमेलों में से एक फीमेल को वहाँ से बाहर निकालें और जो मेल एक्स्ट्रा है उनको भी बाहर निकालें और उनकी साथ उनकी पेयरिंग कर दें, ये ऑप्शन है। और अगर आप जो है उन दोनों फीमेलों को उस एक मेल के साथ ही जोड़ा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करूं, उनका जोड़ा जैसे लगा हुआ जैसे वो क्रॉस कर रहा है सब कुछ वो चलता रहे, तो फिर एक ऑप्शन ये है कि आप जो दो मेल एक्स्ट्रा हो गए जो दूसरे बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको आप वहाँ से निकाल लें और किसी दूसरे केज में रखें और वहाँ उन्हें दूसरी फीमेल आप ला कर दें ताकि जोड़ा लगे और वो भी ब्रीड कर दे आपके पास। शुभम तिवारी, भाई फेलो का मेल है उसके साथ कौन सी फीमेल लगाएं जिससे हमको फेलो के बच्चे मिले? देखिए भाई, जहाँ तक फेलो की ब्रीडिंग का सवाल है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है फेलो की ब्रीड का, अगर आपको फेलो बच्चे चाहिए तो आपको फेलो के मेल की पेयरिंग फेलो की फीमेल के साथ ही करनी होगी, तभी आपको फेलो बच्चे मिलेंगे। अगर आप फेलो की पेयरिंग नॉर्मल रेड आइस की फीमेल के साथ करेंगे तो उससे आपको ब्लैक आइस बच्चे मिलेंगे, उससे आपको ना ही तो फेलो मिलेंगे और ना ही रेड आइज मिलेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी ऐसी पेयरिंग करके देखी हुई है। तो आपको फेलो बच्चे चाहिए तो आप उस मेल की पेयरिंग फेलो के साथ ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। वसीम जहां, मेरे पास 5 फीमेल है, 3 मेल है जिसमें से 3 जोड़े भी लग गए हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ एक फीमेल ने 2 बार अंडे दिए हैं, बाकी फीमेल मटकी में भी नहीं जाती है, क्या करूं? 2 महीने हो गए हैं मटकी लगाए हुए, सारे तोते हेल्दी हैं, संडे क्यों है? भाई 3 जोड़े हैं आपके पास और सिर्फ एक जोड़े ने ब्रीड की है और 2 बार अंडे भी दिए हैं, बाकी 2 जोड़ों ने ब्रीड नहीं किए। देखिए, हम जब 2, 3, 4, 5 जोड़े एक साथ छोड़ते हैं तो जब हम केज में छोड़ते हैं तो मटकी लगाने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि सभी जोड़े अच्छे से बन गए हैं या नहीं बन गए, तभी हमें मटकी लगानी चाहिए ताकि सारे जोड़े ब्रीड कर जाए। कई बार होता है कि हम ज़्यादा जोड़े छोड़ते हैं, 1 या 2 जोड़े की पेयरिंग हो जाती है और हम मटकी लगा देते हैं, ऐसे में जो जोड़ा रह जाता है वो कहीं ना कहीं ब्रीडिंग पर नहीं आ पाता है, उनका जोड़ा नहीं लग पाता, या कई बार ऐसा होता है कि लगा हुआ जोड़ा भी जो है वो ऐसे में ब्रीड नहीं करता है। तो हमें बस अपनी तरफ से अच्छे से बर्ड्स की केयर करना है, कैल्शियम विटामिन्स का ख्याल रखना है, और आपको लगे कि ये जोड़ा वहाँ पर ब्रीड नहीं कर पा रहा है तो कोशिश कर लें, अगर आपको जल्दी ब्रीड लेना है तो उसे दूसरे केज में शिफ्ट कर दें, फिर आप देखिए क्या होता है। बाकी देखिए, बर्ड्स की हर एक्टिविटी पर हमारा जोर नहीं चलता है, बर्ड्स जो है ब्रीड करता है जब वो वहाँ अपने आप को सेफ फील करता है, वो हैप्पी रहता है वहाँ पर, उसे सब कुछ समय पर मिलता रहता है तो बर्ड्स ब्रीड पर आ जाते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं ब्रीड नहीं कर पाते, समय लेते हैं, तो फिर हमें भी जो है वो वेट करना चाहिए क्योंकि हम अपनी तरफ से अच्छे से केयर कर रहे हैं, तो बस हम वेट ही कर सकते हैं कि भाई कब ये जो है वो ब्रीडिंग मूड में आएगा और कब ये ब्रीड करेगा। उससे पहले एक ऑप्शन हमारे पास है कि भाई इसको अलग करके हम एक बार ट्राई कर लें कि भाई क्या एक्टिविटी होती है, या और ज़्यादा समय लग रहा है तो हम इनकी पेयरिंग को चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं।
ये भी ऑप्शन है हमारे पास, बाकी आप देखिएगा आपको क्या करना है, क्या इसमें से सही लगता है आपको। एमडी मोनिस, मेरे कॉकटेल के 20 दिन के बच्चे हैं और मेल फीमेल फिर से हीट पर आ गए हैं। मैं सॉफ्ट फूड दिन में 3 बार देता हूं और दाने में सिर्फ कंगनी देता हूं, फिर भी हीट पर आ गए, क्या करूं मैं, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, कॉकटेल का जोड़ा हीट पर आ गया है, क्रॉसिंग करना अगर शुरू कर दिया है तो देखिए कई बार होता है कि मेल जो है वो क्रॉसिंग कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल अंडे देगी। अगर क्रॉसिंग रोज हो रही है, डेली हो रही है, आपने खुद क्रॉसिंग होते हुए डेली देख रहे हैं आप, तो चांसेस है कि फीमेल अंडे दे दे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। अगर क्रॉसिंग हो रही है तो कोई बात नहीं है, अंडे जब तक आएंगे बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप पहला अंडा आने तक का वेट कीजिएगा, अंडे आएंगे जब तक बच्चा जो है फुल फेदर से कवर्ड हो जाएगा, और जब अंडे देना स्टार्ट कर दे तो आप नज़र भी रख सकते हैं। अगर अंडे भी दे दिए मटकी में तब भी जोड़ा जो है वो फीड करवाता रहता है और अंडे पर भी वो बैठा रहता है। अगर आपको लगे कि कहीं दिक्कत हो रही है, अंडे ख़राब होने के चांसेस है, आप नहीं चाहते कि अंडे ख़राब हो, तो आप बच्चे को जो है वो निकाल कर केज पर रख, केज में मतलब वो रख दीजिएगा मटकी से निकाल कर या बॉक्स से, तो वहाँ पर भी वो उन्हें फीड करवाते रहेंगे और अंडे भी जो है वो सेफ रहेंगे। एच के वर्ल्ड, मेरे लोबर्ड्स का पैर दाना एक्सचेंज कर रहा है, वो कितने दिन में क्रॉसिंग करेगा, संडे, क्वेश्चन आंसर प्लीज़। देखिए भाई, अगर जो है वो मेल फीमेल कंफर्म है और फीड एक्सचेंज कर रहे हैं तो बस जल्द ही क्रॉसिंग होना स्टार्ट होगी और बिल्कुल अंडे भी आपको देखने को मिलेंगे। फीड एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये ब्रीडिंग के समझ लो सिम्टम से शुरुआत है, जल्दी क्रॉसिंग होगी और अंडे भी आपको देखने को मिलेंगे अगर मेल फीमेल कंफर्म है तो। क्योंकि कई बार होता है कि मेल मेल भी जो है वो फीड एक्सचेंज करते रहते हैं, तो ये आप ज़रूर देख लें कि मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं, अगर कंफर्म है तो जल्दी आपको अंडे देखने को मिल जाएंगे। सनी गहरा, भाई मेरे पास एक फीमेल थी जिसने एक फीमेल और 2 बच्चों को मार दिया था और बाकी बच्चों को भी मार रही थी, अब मैंने उस फीमेल को अलग केज में रख दिया, अब उसको कितने दिन अलग रखना है और इसके अलावा क्या करना है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई एक फीमेल ने दूसरी मटकी पे फीमेल थी उस पर अटैक किया, उस फीमेल को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया, ठीक है, तो उस फीमेल को आपने अलग किया है, तो देखिए जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी उस मटकी में बच्चे आप बता रहे हैं कि उन बच्चों को भी मार रही थी, तो इस फीमेल को आप दोबारा उस कॉलोनी में छोड़ेंगे तो ये उसी मटकी पर दोबारा जाएगी और उस मटकी में जो बच्चे हैं फिर से उन्हें मारना शुरू करेगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस फीमेल को आपको अलग ही रखना चाहिए और इसका मेल जो है वो इसके साथ छोड़िए और अलग ही इससे ब्रीड लीजिए। और अगर आप इसको कॉलोनी में छोड़ना चाहते हैं तो 1 या 2 दिन इसको अलग रखें, फिर इसको कॉलोनी में छोड़ें, और छोड़ते समय आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, कंटिन्यू आपको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी ये दोबारा से उसी मटकी पर जाकर अटैक करेगी या दूसरी मटकियों को सेलेक्ट करने के लिए जाएगी तो हो सकता है वहाँ भी बच्चे रहेंगे, ब्रीडिंग चालू है तो उन बच्चों को भी नुकसान पहुँचा दे। तो छोड़ते समय आपको फुल एक्टिव रहना पड़ेगा और नज़र रखनी पड़ेगी, बाकी अलग रख सकते हैं आप, अलग ही इससे ब्रीड भी ले सकते हैं। मकराना बर्ड्स, आप अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरा एक सवाल है, प्लीज़ संडे रिप्लाई देना, क्या स्पेंगल बजरी के स्प्लिट होते हैं? जी बिल्कुल स्प्लिट होते हैं, अगर आप एक स्पेंगल के मेल की पेयरिंग नॉर्मल फीमेल के साथ करेंगे तो उसके जो बच्चे निकलेंगे वो स्पेंगल भी आपको देखने को मिलेंगे और नॉर्मल बच्चे भी होंगे। नॉर्मल बच्चे जो निकलेंगे उनके जो मेल बनेंगे आगे चलकर, वो बच्चे जब बड़े होंगे और जो मेल बनेंगे वो मेल जो हैं वो स्प्लिट होंगे स्पेंगल के, वो जब ब्रीड करेंगे तो स्पेंगल के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, तो स्प्लिट होते हैं भाई, इसमें कोई वो बात नहीं है। अलोन आदित्य, भाई मेरे पास एक बजरी का पेड़ है, मैं जब पेड़ लाया था तो फीमेल प्रेग्नेंट थी, उसे लाते ही दूसरे दिन एक दिया था, वो गलती से मुझसे टूट गया था, फिर उसने अगले दिन दूसरा एक
दी थी और वो एग फीमेल ने खुद ही फोड़ दिया। महीना हो गया है एग नहीं दे रही है और मेटिंग भी नहीं हो रही है, प्राइवेसी भी दे रहा हूँ, अब फीमेल की नोज ब्राउन से वाइट हो गई है, प्लीज सेंड ए रिप्लाई। भाई देखिए, आप एक ऐसी फीमेल लेकर आए जो पहले से अंडे देने वाली थी, जहाँ से लाए वहाँ क्रॉसिंग हो रही थी, जोड़े में लगी हुई थी और लाते ही आपके पास अंडे भी दे दिए। तो भाई देखिए, ऐसी फीमेल आप लेकर आए तो वो ब्रीडिंग में तो टाइम लेगी ही भाई। एक तो आप ब्रीड करती हुई फीमेल को वहाँ से लेके आए तो ये तो आप समझ सकते हैं कि बर्ड्स कितना डिस्टर्ब होता है ब्रीड के दौरान, उसे डिस्टर्ब करना और नई जगह, नया ओनर, और फिर आपने पता नहीं नया मेल दिया, वही मेल होगा, तो आपको थोड़ा समय लेना पड़ेगा। आप जो है पहले तो आप उस मटकी को वहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, मटकी हटाइए, कुछ दिन आप बिना मटकी के रखिए। जब अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए मेल फीमेल की, आपको एक्टिविटी देखने को मिल जाए कि भाई जोड़ा जो है वो फीड एक्सचेंज कर रहा है या चोंच से चोंच मिला रहा है या फुल ब्रीडिंग मोड में, तब आप मटकी लगाइएगा तो बिल्कुल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा समय बर्ड्स को दीजिए भाई, ब्रीडिंग से दौरान आपने उसको डिस्टर्ब किया है, वहाँ से लेके आए तो फीमेल थोड़ा तो समय लेगी भाई। समीन शेख, विजय भाई, 3 नर 2 मादा रख सकते हैं या 2 नर 3 मादा रख सकते हैं, प्लीज़ संडे क्यू एन ए। भाई आपको ऐसा करना ही क्यों है, आप 2 मेल रख लें और 2 फीमेल रख लें, आपको मेल क्यों बढ़ाना है और फीमेल क्यों बढ़ाना है। देखिए, जब कम जोड़े होते हैं तो कोशिश करें कि जितने मेल हैं उतनी ही आप फीमेल केज में रखें, जब जोड़ा बन जाए उसके बाद मटकी लगाएं, रिजल्ट तुरंत मिलेगा। जब आपके पास ज़्यादा जोड़े हों, 7, 8, 9, 10 जोड़े हों, तो उसमें आप जो है अगर क्वांटिटी किसी की बढ़ानी है तो मेल की आप क्वांटिटी रख सकते हैं ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि भाई 10 जोड़े हैं और आपने 15 मेल डाल दिए, ऐसा नहीं है। 10 जोड़े हैं तो हाँ, 2 मेल एक्स्ट्रा होंगे तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। मैं मेल के बारे में ही बोलता हूँ कि मेल जो है वो ज़्यादा रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फीमेलें ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कम जोड़े हैं आपके पास, 5 से कम जोड़े हैं, तो कोशिश करें कि जितने मेल हो उतनी ही फीमेलें आप केज में छोड़ें। या आपके पास कम जोड़े हैं और आप एक्स्ट्रा बर्ड्स बढ़ाते भी हैं तो कोशिश करें कि जब वो जोड़े बन जाए, जितने जोड़े आपके पास हैं कम जोड़े, वो जोड़े बन जाए तो एक्स्ट्रा जो भी मेल या फीमेल है उनको वहाँ से निकाल लें, ऐसा आप कर सकते हैं। दानिश बागबान या बागबान, भाई नाम अगर गलत ले रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। भाई मेरे बजरी का मेल भी फीमेल को मटकी में जाकर फीमेल को मटकी में बुला रहा है, लेकिन फीमेल क्रॉसिंग के टाइम बैठ नहीं रही है, तो मेल क्रॉसिंग नहीं कर रहा, ऐसा क्यों, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जोड़ा लगा हुआ है, मटकी आपने लगा दी है और मेल ने मटकी में जाना शुरू किया है, तो भाई थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। फीमेल मटकी में जाना शुरू करेगी और कुछ टाइम मटकी में बैठना भी शुरू करेगी, कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। अब कुछ दिन 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, या 1 वीक भी हो सकता है। मटकी में मेल जा रहा है और जोड़ा लगा हुआ है तो बस आप वेट करें, जल्दी फीमेल मटकी में आना जाना शुरू करेगी और जल्द ही क्रॉसिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों, यहीं थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूं जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।